कि नैनो यार क्या ही छोटी गाड़ी है, क्या ही मजा आएगा, क्या ही लाइक होगा। तो ये देखने में क्यूट सा डब्बा लगता है, छोटा सा, बट सच में अंदर बहुत स्पेस है। हो जाएगा मेरा, मतलब कि 1 से 1.5 किलोमीटर में आराम से न्यूट्रल पे चला लेता हूँ अगर मुझे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज शुभम और आज मैं आया हूँ भाई साहब एक ऐसी वीडियो लेके जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर नवंबर में मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी, नवंबर दिसंबर शायद यही टाइम था, शायद याद नहीं है मुझे, बट हाँ ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल होने के बाद मेरी नैनो के साथ क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और पहले कैसे दिखती थी वो तो आपको पता ही है, पुराने वीडियो देख लेना। और अभी जो हम लोगों ने ऐसा कलर वलर करके कुछ इस तरीके का बना दिया है, तो आप देख सकते हैं भाई एकदम ये हैंड पेंटेड है, ठीक है, हम लोगों ने किया है, क्योंकि भाई जो प्राइस इसका पेंट करने के लिए, डेंटिंग पेंटिंग के लिए मांग रहे थे भाई, मेरी बस की नहीं थी कि मैं वो मैं दे पाता, क्योंकि ऑलमोस्ट 28,000 32,000 ऐसा मुझे कोटेशन दिया था उन्होंने। बट मैंने बोला भाई गाड़ी मैंने 45 में ली है, उसके ऊपर खर्चा वर्चा करने के बाद मैं चल कितना ही करूंगा भाई, उसके ऊपर मैं पेंट और डेंट पेंट पे कर दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो फिलहाल हम लोगों ने ये गाड़ी जो खुद से पेंट करी, खुद से पेंट करने के बाद भी देखो हम लोगों ने डुअल टोन कर दिया है और 25-26 हज़ार सिर्फ सिंगल पेंट बता दे वो, कि अगर रेड करनी है तो पूरी रेड कर देंगे, उतना प्राइस लगेगा, बट हम लोगों ने बार बार से कर दिया है। तो पेंट करते टाइम का वीडियो आप देख सकते हो मेरे, उसमें मिल जाएगा आपको। बाकी आप ये देखो गाड़ी को एकदम टन टनाटन हम लोगों ने कर रखा है, इसको मैं कर दूं ये बंद। तो ये हो रखी है भाई मेरी नैनो की हालत। अभी हम लोग काफी सारे शूट वगैरह करके आए हैं, तो अगर मैं बताऊं भाई मैंने इसकी 10,000 रुपये सर्विस होती है, 1 साल हो गया है, मैंने एक ही सर्विस कराई है अभी इसकी, और दूसरी सर्विस का भी इसका वक्त आया नहीं, ऑलमोस्ट अभी 5,000 किलोमीटर समथिंग चली है, ठीक है। फिर भी मैं हमेशा टाइम टू टाइम इसका रेट, बस जो कूलेंट है वो चेक करता रहता हूँ, कूलेंट चेक करना गाड़ी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस और अपने गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल होता है वो भी आप अगर आपके आपने लिया तो ले चेक करते रहो। गाड़ी मुझे बहुत हैंडी पड़ती है, मैं डेली काम जो है मेरा इससे ही होता है, हमेशा बाहर निकलता हूँ, बस माइलेज जो है सिटी में अराउंड मुझे 20-21 मिलता है। एंड हाँ अभी मैं रिसेंटली दबोई होके आया था, यहाँ से अराउंड 40-45 किलोमीटर है, वहाँ पर आना जाना और पूरा घूमना फिरना मेरा 250 रुपये के पेट्रोल में हो गया था, मतलब कि आप यकीन नहीं मानोगे 26-27 का एवरेज दिया है मुझे एक पर्टिकुलर स्पीड में, मैं रेडी चला रहा था 60-70 पे चला रहा था, 25-26 का मुझे माइलेज दिया है गाड़ी ने, क्योंकि कंटिन्यूशन में गाड़ी जो है अपनी चल रही थी उसके हिसाब से। अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप मेरी तरह फर्स्ट कार लेना चाहते हो और चाहते हो कि भाई ज़्यादा खर्च कम में मिल जाए और बढ़िया भी मिल जाए, तो भाई दिस इज द बेस्ट कार यू कैन गेट, ठीक है। अगर आपको मार्केट में मिल रही है 50-60-70 में भी, अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही है कम खर्चे में, क्योंकि जब मैंने इसकी ली थी इसमें पेंट वेंट पूरा सूख गया था, मतलब कि रेड थी, रेड से पिंक हो गई थी, और पीछे भी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जंग वगैरह सब खाली खाली दिख रहा था, बट हमने इसको ब्लैक पेंट कर दिया ऊपर एंड इसके नीचे हम लोगों ने रेड पेंट कर दिया, और ये स्प्रे पेंट मेरे को मिले थे एक बॉटल अराउंड 110 रुपये की, और मेरे को 6 बॉटल्स लगे इसके अंदर रेड वाले में, और ऊपर वाले में मेरे 2 ब्लैक पेंट के डब्बों में काम हो गया था छत पे, ठीक है, पूरी छत पेंट हो गई थी। और ये सिंगल कोट है, ठीक है, डबल कोट इस पे हल्का हल्का किया गया है दूसरा कोट, लेकिन दूसरे कोट की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको डबल कोट भी एक बार मार देंगे, क्योंकि 650-700 रुपये में मेरा डबल दूसरा कोट भी लग जाएगा, तो खुद ही कर लेंगे। बस क्या किया था हम लोगों ने, टेपिंग कर ली थी, मेहनत जो करनी है आपको टेपिंग में करनी है भाई, आपको टेपिंग में सारे मोनोग्राम वगैरह पे लगाना है और जहाँ जहाँ आपको बचाना है वो, और अगर एक्सेस पेंट भी लग जाता तो थिनर आता है 40-50 रुपये का पेंट थिनर, उससे आप लेके कपड़े से एक्स्ट्रा जो पेंट है वो क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ये था बाकी, अगर बैटरी की आपको एक प्रॉब्लम और बता देता हूँ, बैटरी में है ना तो थोड़ा सा वाइट वाइट कार्बन सा जमने लगता है, जिसकी वजह से आपका बैटरी के साथ कनेक्शन टूट सकता है, तो टाइम टू टाइम उसको साफ करते रहिए, एक रेगमाल वाला पेपर आ जाता है ना तो उससे थोड़ा सा टर्मिनल अपने को साफ करना होगा, तो वो करते रहने का, और पानी से वो निकल जाएगा, पानी का एक प्रेशर मारेंगे बैटरी के ऊपर तो वो निकल जाएगा, उसका बस ध्यान रखने का, बाकी सब बढ़िया है भाई। कंप्लीट मैं इसका माइलेज कैसे निकालता हूँ भाई, अगर कोई ढलान वगैरह आ रही है कुछ भी आ रही है तो मैं इसको जैसे कि 40 की स्पीड, इसमें 4 ही गियर आते हैं, 40 की स्पीड तक अगर गाड़ी रह रही है
तो 40 के ऊपर जाती है तो ज्यादा लोड पड़ता है। 40 तक चौथे गियर में बढ़िया चलती है, माइलेज भी अच्छा देगी। उसके ऊपर जाएगी तो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा लोड लेती है। अगर ढलान आ रही है तो आप इसे न्यूट्रल में डाल दीजिए, क्योंकि देखिए आज ढलान आएगी तो नीचे जाके आपको गाड़ी स्लो करनी है, और तो एक साथ ले जाके उसके बाद आप धीरे करेंगे तो आरपीएम एकदम से डाउन जाता है। अगर आप न्यूट्रल कर देंगे तो आरपीएम धीरे 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 अपने आप स्पीड के साथ स्लो चलेगा। मेरा मतलब कि 1 से 1.5 किलोमीटर में आराम से न्यूट्रल पर चला लेता हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ करना हो तो थोड़ा सा स्पीड दिया 40-50-60 पे, अगर गाड़ी पे है उसका न्यूट्रल कर दिया तो 60 किलोमीटर से 60 की स्पीड से नीचे 25 या 30 तक आने में बहुत समय लगता है, और मैं काफी लंबा जो है इसके साथ डिस्टेंस क्रॉस कर जाता हूँ। अल्टीमेटली गाड़ी का काम क्या है, हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, और तीसरा काम यह है कि अपने को धूप बारिश और ठंड से बचाना, ठीक है। तो ये काम मेरी गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। हाँ ऑब्वियसली अगर आप बाइक का आपका बजट है मंथली का तो यार बाइक तो बाइक ही है, लेकिन माइलेज के मामले में मार खाती है बस, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि बाइक की जगह मैं कार ओन कर लूँ, नहीं भाई, क्योंकि रनिंग कॉस्ट आपकी वही आनी है जो दूसरी बड़ी कारों में आती है, जो कि डीजल गाड़ी भी अगर लेंगे आप तो 20 से 25 का माइलेज वो भी देती है डीजल कार। तो डीजल कार लेंगे चाहे भली गाड़ी लेंगे, मेंटेनेंस आपका अलग आएगा, लेकिन आप डीजल गाड़ी लेते हैं तो आपका रनिंग कॉस्ट 10 से 15 हज़ार, अगर आपका रनिंग कॉस्ट डेली का 100 किलोमीटर का है तो 10 से 15 हज़ार डेली जाएगा, मतलब हर महीने का 10 से 15 हज़ार का रनिंग कॉस्ट जाएगा। अगर आप कम चलाते हो तो उस हिसाब से जाएगा, बाकी रनिंग कॉस्ट का खर्चा जो है मेरी जेब पे वही पड़ता है जो एक बड़ी गाड़ी के ऊपर पड़ता है वो, क्योंकि इसका माइलेज कम है, माइलेज कम मतलब कि 21-22 ऐसा, ठीक है। अगर आप लोग डीजल गाड़ी लेते हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा पड़ जाएगा। अभी ये तो हो रहा मेरा एक्सपीरियंस भाई, मेरे को तो बहुत सुकून देती है गाड़ी, बहुत सुंदर है गाड़ी, बहुत बढ़िया है, मेरे सारे काम कर देती है, प्लस इसके अंदर जगह भी बहुत सारी है। सामान वामान रखना हो भाई, मैं सामान भी इसमें आराम से रख लेता हूँ, सामान वगैरह हमारा, हम 3 लोग हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, अमेजिंग है। बाकी मेरे साथ सुमित है, सुमित का एक्सपीरियंस पूछे, क्योंकि सुमित ने ये फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी में ही बैठा था, और तब से हम लोग कब भी जाते हैं काम वाम करते हैं तो इसके साथ ही काम करते हैं। बाकी इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ, सुमित क्या सीन रहा है तेरा नैनो के साथ, एक्सपीरियंस क्या रहा है? मैंने ना पहले नैनो सुना था, ठीक है, और देखा था कि नैनो यार क्या ही छोटी गाड़ी है, क्या ही मजा आएगा, क्या ही होगा। मुझे ना ऐसा मिथ था जो आई थिंक सबको रहता होगा कि हम बैठेंगे तो उसकी जो छत है हमें वो टच होगी, लेकिन इतना कंफर्टेबली हम ऐसा लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, और पीछे भी इतनी बड़ी जगह मिल जाती है। देखने से मुझे ऐसा लगता था पहले बाहर से देखने से ही कि यार बहुत छोटी जगह होगी, अगर हम 3 या 4 लोग फैमिली मेम्बर्स है और बजट नहीं है तो यार बहुत ही बेस्ट है ये गाड़ी लेने के लिए। और सही में यार, और जो हाईवे पर अगर आप चलाओगे ना तो ये सही में फील वही वाली देती है कि हाँ भाई अच्छी खासी कार में बैठे हैं। और जो टाटा जी ने इतना अच्छा भाई आविष्कार किया है तो बहुत ही बढ़िया है। ये फैमिली गाड़ी बनाई थी अपने टाइम से आगे की जो है गाड़ी बना दी थी ताकि लोग हर कोई अफोर्ड कर सके, कि उन्होंने ना वही उन लोगों को ध्यान में रखा था जो मिडिल क्लास लोग थे, जो बाइक पे जाते थे, धूप जिनको परेशान करती थी, उन लोगों के लिए बनाई थी। लेकिन लोगों ने क्या है कि यार मजाक बना दिया कि यार क्या है ये, आज है? तो इससे भी छोटी छोटी गाड़ियां आ गई हैं। इससे भी छोटी छोटी गाड़ियां आ गई। दूसरी बात जेनी का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो मेरे साथ मेरी वाइफ है, तो ये भी अभी रिसेंटली हम लोग साथ में अभी चालू किया रहना, तो अभी यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेरे साथ नैनो में बैठी थी जब एयरपोर्ट से लेने गए थे आपको, तो कैसा एक्सपीरियंस था? तो ये देखने में क्यूट सा डब्बा लगता है, छोटा सा, बट सच में अंदर बहुत स्पेस है, मुझे इसका यही चीज बहुत अच्छा लगता है। और ये गाड़ी नैनो जो है ना, दूसरे गाड़ी आप भलाई ना पहचानो कि हाँ निक्सन है, क्विड है, क्या है, बट नैनो को देखने पे ही दूर से ये पहचान लोगे भाई ये नैनो है। इसका जो मॉडल है ना ये एकदम डिफरेंट, एकदम कर्व सा है, तो ये बहुत क्यूट लगता है मुझे। अदरवाइज इसको तो पेंटिंग डेंटिंग करवा के ठीक कर ही लोगे, और बजट फ्रेंडली भी है ऑनेस्टली, तो ये काफी सही है। अगर किसी को 4-व्हीलर लेना है बजट फ्रेंडली में तो मेरे को तो लगता है नैनो ही सही है, अदरवाइज ऑल्टो भी अच्छा है बट नैनो इज बेस्ट। तो भाई ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब एयरपोर्ट से आते वक्त इस गाड़ी में चढ़ा तो मुझे काफी अच्छा लगा। अकॉर्डिंग मतलब अगर कंपेयर किया जाए बाइक के हिसाब से, पहले हम बाइक में घुमा करते थे एंड बाइक में बाल बाल खराब भी हो जाते थे, बट इसमें जो कि नहीं हो रहा है एंड काफी स्पेशियस है। बाकी हम लोग एयरपोर्ट वगैरह भी लेने गया था, अगर बाइक होती मेरे पास उस टाइम पे तो भाई सामान कैसे लाता, कितना सब कुछ सामान था इसका और ये सब लाना, तो इसमें आराम से आ गया। तो मतलब अगर आप सिंगल हो या फिर डबल भी हो तो फैमिली के साथ भी हो तो ये सब काम आता है, क्योंकि फिर बाइक है सिर्फ आपके पास
और गाड़ी नहीं है या फिर गाड़ी बड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप ये लेके जाओगे तो आप सामान रिलेटिव वगैरह का सामान या फिर कोई भी घर में फंक्शन है तो उसमें सामान वगैरह आप रख के इसको काम कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात तो भाई क्या है ना, अगर आपको बिजनेस भी करना है तो इसके अंदर सामान लोड करके आप कहीं पर भी जाके एक छोटा सा स्टॉल लगा के भी काम कर सकते हो। तो अगर आप बिजनेस माइंड के हिसाब से देखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। बाकी तो मेरा तो भाई देखो गाड़ी ली थी और फिर उसके बाद फर्स्ट कार है भाई, खुशी तो होती है, प्लस कार लेके निकलता ही हूँ मैं, ठंड बारिश हर चीज से मैं बच ही जाता हूँ, तो एकदम परफेक्ट कार है भाई। अब फैमिली के लिए भी, एक फैमिली के लिए भी परफेक्ट कार है। मेंटेनेंस की अगर बात करूँ आपका 3,000 से ज्यादा मेंटेनेंस नहीं आएगा। जब आप इसके अंदर ऑयल डलवाओगे, ऑयल डलवाने के बाद फिल्टर विल्टर ये सब कराने के बाद भी आपका 3,000 रुपये तक ही इसका मेंटेनेंस आता है, जिसके अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। इतना तो आप एक कार को कर ही सकते हो। बस इतना, बस मेरे को एक ही चीज कमी लगती है, वो है इसका फ्यूल टैंक, जो कि सिर्फ 15 लीटर का है। मुझे चाहिए कि बड़ा फ्यूल टैंक हो तो भाई डाल देंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा बार बार फ्यूल भरवाना पड़ता है, बस यही चीज है। बाकी तो ऑलमोस्ट डन ही है भाई, गाड़ी तो एकदम जबरदस्त है। मैंने अंदर से पहले ही करा दी थी मॉडिफिकेशन, सीट्स कवर वगैरह सब कुछ अंदर से सब सेट कर दिया था, बस बाहर से बाकी थी अच्छी नहीं दिखती थी तो बाहर से भी मैंने सेटअप कर दिया भाई, जबरदस्त। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो एंड फॉलो कर लो। एंड इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।